सर जैसे कि आपको पता है कि अभी प्रो कबड्डी का 11वां सीजन आ रहा है और मनिंदर सिंह ऑलरेडी एक नाम बन चुका है प्रो कबड्डी में। सो इस साल आपकी कैप्टनशिप की जवाबदारी थोड़ा हटा के आपको फ्रेशर रिलीज कर रहे हो, तो उसको आप कैसे देख रहे हो कि आप कैसे एक्साइट आने वाले सीजन के? बहुत बढ़िया लग रहा है ना लुक यहाँ पे दिए बस। अच्छा इधर इसको इधर ही बैठा हुआ है तो बस बढ़िया लग रहा है भाई। जन सीजन लाइव बनाया ना, तैयारी बहुत बढ़िया करके आए हैं। 6-7 महीने हो गए, पहले उधर प्रैक्टिस कर रहे थे ना अपने घर पे, तो अभी इधर कैंप में 1 महीना हो गया। फिटनेस भी बढ़िया चल रही है, सुबह 2 घंटे ना तो शाम को कबड्डी चलती है, तो बढ़िया लग रहा है। बाकी कैप्टन का ऐसे है कि मैंने खुद ही बोला कि मेरे को मतलब ये थोड़ा प्रेशर नहीं मेरा है ना हैंडल होता, क्योंकि जब मैं बाहर बैठता हूँ तो मेरे को गुस्सा चढ़ता है ना, तो वो फिर बढ़िया नहीं है टीम के लिए। तो टीम के लिए बढ़िया ये है कि जैसे डिफेंडर कोई कैप्टन बनेगा तो बढ़िया लगता है। इस सीजन में आपने यू अच्छे यंग प्लेयर्स भी बंगाल के लिए आए और बहुत सारा मतलब महाराष्ट्र के भी बहुत सारे प्लेयर्स बंगाल में आ चुके हैं। सो आप कैसे देखते हो उनके तरफ, आपका कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ क्या बताना चाहोगे कैसे कुछ से डले? टीम बहुत बढ़िया बनी है, जैसे महाराष्ट्र के 7-8 प्लेयर है ना, हाँ तीन चार हरियाणा के ऐसे, 2 हिमाचल के हैं, तो टीम बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है अभी। क्योंकि जब हमारा प्रैक्टिस मैच भी होता है उसमें भी मतलब ऐसे नहीं है कि वन साइड मैच हो जाता है ना, कभी 2 पॉइंट से वो जीतते हैं कभी हम जीतते हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है ना कि जो बाहर भी प्लेयर बैठे हैं वो भी अपना काम बड़ा बढ़िया कर रहे हैं ना। तो जैसे रेडर एक लड़का अर्जुन राठी, अर्जुन करके, और नितिन तो चलो पिछले साल खेला एक तगड़ा है ना, तो इस बार बढ़िया लग रही टीम। जैसे फजल आ गया, नितेश आ गया, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी आपने कितना वेट लूज किया है? थोड़े से पतले दुबले लग रहे हैं। अभी मेरे को 1 महीना हो गया इधर कैंप में आए हुए, तो इधर थोड़ा बहुत खाने का फर्क पड़ जाता है ना, क्योंकि हमारे क्या है दूध दही हम उधर खाते हैं अपने घर पे सारा सिस्टम। बाकी अभी जैसे पता है प्रो कबड्डी आनी है ना, तो 85 वेट है, तो उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा, जैसे फिजियो है डॉक्टर है ना, तो उनसे बात करते रहते हैं जो न्यूट्रिशन है, तो उसी हिसाब से खाना पीना। अभी मैंने जैसे बोले कि नॉन वेज मैंने बहुत कम कर रखा है, तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। बाकी ये है कि बॉडी आपको देखने को हल्की लग रही है, पर मेरे को बढ़िया लग रही है अभी। सर प्रो कबड्डी के टाइम का डाइट और रेगुलर जो आपका बाकी के टाइम का डाइट, उसमें कुछ मतलब बहुत ज्यादा फर्क वगैरह क्या है, मतलब कैसे फॉलो प्रो कबड्डी में? मतलब जो दूध दही अपने घर का नहीं होता है ना, क्योंकि जब हम घर पे रहते हैं तो अपने घर पे ही रखे हैं सारा सिस्टम है ना, तो घर का खाना होता आपको पता ही है ना बेटर है ना। होटल में खाना खाते तो है पर उतना टेस्टी नहीं बनता है, बट ये है कि उधर अभी डाइट उधर भी मेंटेन करते हैं इधर भी मेंटेन करते हैं, तो इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दिन का शेड्यूल कैसा रहता है, मतलब सुबह से शाम तक मतलब क्या खाते हैं? इधर का भी उधर का ही प्रो कबड्डी में तो फिर डॉक्टर आ जाते, फिजियो आ जाते ना, तो उनके हिसाब से चलता है। जैसे सुबह ग्रीन टी है ना उठते, फिर थोड़ा सा मतलब जो फ्रूट फ्राट होता है कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट या वो खा लेना, फिर प्रैक्टिस करने चले जाना, प्रैक्टिस के बाद जाके ब्रेकफास्ट करना, उसमें अंडे उंडे वगैरह जूस वगैरह हो गया, नारियल पानी, स्प्राउट्स हो गए, फ्रूट हो गया ना, तो यही डाइट नॉर्मल ही है, कोई इतना ज़्यादा नहीं। दोपहर को अपने लस्सी दही और जो दाल दूल बनी है वो देसी घी डाल देना एक दो चमचे, और रात को थोड़ा कम खाना, रात को अगर चिकन है तो चिकन ही खाना, उसके बाद रोटी नहीं खानी। जैसे अभी फजल आया, फजल ने मेरे को ये बहुत बढ़िया चीज़ बताई है, क्योंकि उसका भी वेट अभी 92-93 के आसपास ही रहता है, बट मैंने उसको नोटिस कराया ना, क्योंकि हम खाना पीना इकट्ठा ही जाते हैं ना, वो क्या ना चावल ज़्यादा खाता ना रोटी ज़्यादा खाता, अगर चिकन है तो चिकन खाएगा, अगर मटन है तो मटन खाएगा। हम क्या करते हैं चिकन भी खाते हैं रोटी भी मारते हैं बाद में, तो वो मेरे को बहुत फर्क लग गया, उससे मेरा मतलब बॉडी का भी पता चलता है ना, परफॉर्मेंस में भी फर्क लग रहा है। सर अभी आप ईरान के प्लेयर के साथ खेल रहे हो, फजल के साथ, ईरान के प्लेयर में और इंडिया के प्लेयर में जो लोकल प्लेयर, उनमें क्या डिफरेंस लगता है आपको? डिफरेंस तो कोई नहीं है भाई, जन कबड्डी अपने इंडिया की गेम है ना, तो हमसे ही सीख के वो बने हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं। बाकी पता क्या, उनका खाने का बहुत ज़्यादा फर्क है, अपने क्या है बंदे जिसका वेट कम है वो चकली पकली सारा कुछ चला देना, तो फजल का मैंने देखे ना ड्राई फ्रूट रखता अपने, जब उसको भूख लगती है वो ड्राई फ्रूट खाता है, हमारे क्या हमारे लेस भी चल जाते हैं वो, तो वो बहुत फर्क है, तो उनकी बॉडी का बहुत ज़्यादा फर्क है, उनकी पावर बहुत ज़्यादा पावर है उनकी बॉडी में। इस बार फजल आपके टीम में खेल रहे हैं आपके साथ, तो डिफेंस कितना स्ट्रांग होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके उनसे? डिफेंस बढ़िया हो गई है, जैसा पहले क्या था कि बंगाल में रणिया भाजी था मेरे साथ, तो मेरे को एक होता था कि रण सिंह खड़ा पीछे, तो मेरे को टेंशन फ्री खेलता था, तो परफॉर्मेंस भी बढ़िया निकलती थी, क्योंकि थोड़ा गाइड भी करता था रेड जाने से पहले, तो यही है जैसे फजल आ गया तो फजल को सेम रोल ही मिल गया, उसको मैंने बताया कि रण सिंह की जगह तूने ले लिया है ना, कि जैसे वो मेरे को टीच करता बताता था, अभी हम प्रैक्टिस मैच करते हैं अपने कैंप में, तो उधर फजल मेरे को थोड़ा थोड़ा गाइड करता है, तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल गया, तो
तो उसके आने से ऑटोमेटिकली फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्या मनिंदर इस बार 100 पॉइंट्स का कड़ा मार करेंगे? 100 100 पॉइंट्स का? 100 तो भाई हम 10 मैच में कर लेंगे। 200 भी कर दिया अगर टीम हार रही है तो उसका कोई मजा नहीं आता, ना मेरे को खुशी होती है, ना घर वालों को होती है, ना ही फैन को खुशी होती है। आप इस टीम के विराट कोहली हो, मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर हो, तो यंगर आते हैं तो जो अपना प्रैक्टिस लेते हैं उसमें यंगर को आप कैसे हैंडल करते हो? नहीं भैया मैं अपने घर से इतनी तैयारी करके आता हूँ कि मेरे को इधर आके कोई प्रॉब्लम ना हो ना, कि जितनी यंग मुंडे प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ ही मैं करता हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं थोड़ी कम करता हूँ, मैं सीनियर हो गया थोड़ा, मैंने अपनी तैयारी इस हिसाब से करके आता हूँ कि अगर मेरे को इधर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं कम प्रैक्टिस करूँगा तो वो मेरे को देखते हैं कि ये खेलता कबड्डी है ना, वो मेरे को देख के अगर मैं कम प्रैक्टिस करूँगा तो उनके माइंड में भी आएगा खरे कम प्रैक्टिस करके है ना, इतना स्कोर जो भी है ना खेला इतना लंबा, तो मैं उनके लिए ऐसे ही बनता हूँ कि हाँ कि मैं उनको आगे लग के बोलता हूँ कि चलो कितनी प्रैक्टिस करनी है बताओ है ना, तो वही चक्कर है। वही अभी आपके कोच साहब से भी हम लोग ने बताया कि जब भी कोई यंग प्लेयर वगैरह आते हैं तो मनिंदर सामने से उनसे बात करने आता है, टीम का माहौल एकदम अच्छा बना के रखा, एकदम हंसता खेलता है। सो ये शिविर में मतलब जो आपका जो कैंप हुआ उसके हिसाब से अभी 22 मैच का लंबा शेड्यूल है, आपको इस टाइम थोड़ा मतलब कम टेंशन है कि भाई तीन ही जगह पे खेलना है, ट्रैवलिंग वगैरह ज्यादा नहीं होगा वो हिसाब से? कबड्डी पता क्या बहुत प्रेशर वाली गेम है, जैसे प्रो कबड्डी के टूर्नामेंट ज्यादा बड़ा टूर्नामेंट है ना, तो उसमें जब हम मैच खेलते हैं तो प्रेशर बहुत ज्यादा, क्योंकि जो नया प्लेयर उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर, अगर हम क्या है कि अंदर थोड़ी बहुत ही बातचीत करेंगे, थोड़ा बहुत हंसेंगे मजाक करेंगे एक दूसरे को, मैच की बात कर रहे हैं तो फिर क्या उसका प्रेशर रिलीज होना, अगर हम बात नहीं करते एक दूसरे से वो प्रेशर बढ़ ही जाता है, क्योंकि ये बड़ा टूर्नामेंट है, क्राउड होता है ना सारा कुछ, लाइट वगैरह तो प्रेशर ले जाते हैं बंदे, पर अभी हमारा एक नंबर माहौल चल रहा है, 22 मैच तो हम हंस के खेलेंगे इस बार। हाँ जी आप मेंटली कितने रिलैक्स हो, क्योंकि मेरे सामने फजल नहीं है अपोजिट टीम में, तो कैसे मतलब ये सीजन के लिए आपने तैयारी की है? नहीं फजल की कोई बात नहीं ऐसे है ना कि फजल मेरे साथ आ गया तो पता नहीं क्या है ना, बट ये है कि चलो बढ़िया डिफेंडर है, लीग का एक नंबर डिफेंडर मेरे साथ आ गया तो वो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है, पर ये है कि बाकी टीमों में भी जो बंदे खेल रहे हैं अभी है ना, तो सभी अपनी अपनी तैयारी करके आते हैं, कोई ऐसे नहीं जाता कि मैंने कोई कम तैयारी करके है, अपना फुल ट्राई करते हैं सारे बंदे, तो वही है जिसने बढ़िया मेहनत करी वो कामयाब हो जाएगा। प्रो कबड्डी सर मैट पे खेले जाते हैं और पंजाब में और मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र में भी मिट्टी पे खेली जाती है, तो मिट्टी पे और मैट में खेलने में ज़्यादा सही क्या है और क्या डिफरेंस लगता है आपको? मैट में स्पीड बहुत आगी गेम में है ना, स्पीड से चलता है, बट ये है कि स्पीड से चलता तो है बट इंजरी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्रिएटर को मैट पे मज़ा भी आता खेलने में क्योंकि स्पीड बहुत निकलती है, डिफेंडरों को भी मज़ा आता है ना खेलने में, बट इंजरी ज़्यादा होती है मिट्टी में, क्या इंजरी बहुत कम है, इंजरी बहुत ज़्यादा कम है, एंकल घुटने की बहुत कम इंजरी हो जाती है, तो हमारे पंजाब में तो सर्कल कबड्डी चलती है तो वही बढ़िया लगती है। सर और एक पूछना होगा कि अभी जैसे मैंने बताया कि ईरान के जो फजल अतरज है, सो वही पिछले कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं कि ईरान वगैरह जो कंट्रीज है वो इंडिया को कबड्डी में चैलेंज दे रहे, तो ओवरऑल इंडिया के हिसाब से आप कैसे देख रहे हो कि आने वाले सालों में अगर ओलंपिक में अगर हम गए तो क्या चैलेंज आ सकता है? चैलेंज कोई नहीं आ सकता भाई, जना इंडिया की कबड्डी है तो इंडिया की रहेगी है, तो है ना, ईरान तकड़ा हो सकता है बट इतना नहीं तकड़ा था कि इंडिया को हरा ले है ना, तो कबड्डी अपनी खेड है, जरा अपनी माँ खेड बोलते हैं हमारे इधर, तो महाराष्ट्र में भी ऐसे ही बोलते हैं ना कि माँ खेड है, तो फिर कबड्डी नहीं जा सकती अपने, ओलंपिक में आ जाए तो मेडल पक्का हो जाएगा। मातिला खेड़े से याद आया कि लास्ट ईयर महाराष्ट्र प्लेयर भी जाता था टीम में, तो कुछ वीडियोज भी वायरल होते जिसमें मराठी प्लेयर्स एक दूसरे से बातें कर रहे, मतलब जो कम्युनिकेशन होता है ज्यादा मराठी हो रहा था, तो आप भी मराठी में बात कर रहे थे उनसे? मराठी पता क्या समझ लगने लगी है क्योंकि मेरे को अभी जैसे ग्रीस खेलता था मेरे साथ, तो वो क्या क्या मैच में कभी कभी मराठी बोल देता था ऐसे कर दो, वो मेरे दिमाग में श्रीकांत था, शिवम शिंदे था ना, पिछले सीजन तो हमारे बात ही मराठी में करते थे, मैं अकेला बीच में था, तो वो मेरे को अंडरस्टैंडिंग होना क्योंकि कबड्डी को इतना नहीं है कि वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ी बात करते हैं, आ जा चल जा है ना, सेव कर दे, नो है कर दे, ढूंढ ही रेड़ा ट्राई कर ले,
तो नॉर्मल नहीं गल है कुछ। तो आपको मराठी समझ नहीं लगी अभी? मराठी समझ नहीं है भाई जान, तो हमारा ऑडियंस ज्यादा तो मराठी है, तो मराठी फैंस के लिए कुछ कहेंगे मराठी में आप? मराठी का यान कारो बनाने है जी, अटा माजी सतक लिए कई को जी सिखाया बंदे कबड्डी में कुछ तो कबड्डी मतलब जो ऑल आउट सपोर्ट करने के लिए कैसे। हां कबड्डी में तो मेरे भाई ना गाली गुली चलती है ज्यादा तो वो इधर निकाल नहीं सकते सपोर्ट करवाना और ऐसा कुछ। हाँ यही है भाई जाना, हमारे फैंस हमारे लिए बहुत ज्यादा दुआ करते हैं ना, क्योंकि अभी मैं बंगाल में वापस आया तो उनकी वजह से आया हूँ, तो उन्होंने बहुत मैसेज करे मेरे को भी, बंगाल टीम को भी, कि उसको ले लो है ना जैसे भी करके। तो इस बार हम पूरा जोर मर गए, बाकी फजल अतरा चली आ गया, बाकी हमारी टीम एक नंबर है, फिटनेस एक नंबर चल रही है, तो पूरी ट्राई करेंगे यहाँ पे मतलब ट्रॉफी जीते और फुल होज करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम बंगाल में सिंधे ब्रदर्स थे, उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया था डिफेंस में, तो इस बार एक शिंदे ब्रदर पुणे से खेल रहा है और एक शिंदे ब्रदर आपके टीम में है, तो कुछ डिफरेंस लगेगा इस बार? डिफरेंस तो नहीं लगेगा मेरे साथ, क्योंकि शिंदे गया और नतीज आ गया, वो एक्सपीरियंस वाला कॉर्नर गया हमारे पास है ना, तो एक्सपीरियंस वाला ही बंदा आ गया, और फजल और इसकी बहुत बढ़िया जम रही है। बाकी एक हमारे पास लड़का ना हेमराज करके है हिमाचल का, वो क्या है मेरे साथ टूर्नामेंट उधर खेलता रहता है, तो वो मैंने देखा है बंदा, वो भी टैलेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, अगर नतीज एक दो मैच नहीं भी बाहर बिठाना पड़ गया तो हेमराज उसकी जगह ले सकता है, मतलब बढ़िया। वही मैंने पहले ही बताया आपको कि हमारी टीम में इस बार ये नहीं है कि वो, हाँ बैकअप हमारे पास तीन राइट कवर है, मैं गर्जे है, मयूर है, एक और लड़का है शंभा जी का ना, हाँ वैभव भी, वही तीन बंदे हो गए, तीन ही लेफ्ट के हैं। हाँ तो दो दो कॉर्नर है हमारे पास, जो फैजल वाला कॉर्नर वो हमारे पास तीन है, चार है। आमचा कॅम्प लागून जवळजवळ एक महिना झाला आहे, आमचं 45 डेजचं कॅम्प शेड्यूल होतं, त्यामध्ये आमची प्रॅक्टिस सकाळी 2 तास संध्याकाळी 2 तास प्रॅक्टिस चालू आहे, आणि खेळाडू पण फिटनेस लेवल पण त्यांची आता अप झालेली आहे, आणि आम्ही वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजीजवर वर्कआउट करत आहोत, त्यामुळे आमचा प्रॅक्टिस कॅम्प एकदमच फर्स्ट क्लास चालू आहे। मुंबईतल्या आपल्या खेड्यापर्यंत तुम्ही आपली कबड्डी पाहिलेली आहे आणि आता तुम्ही बंगालपर्यंत घेऊन गेले ते, आणि तरीकडचा अनुभव आता तिकडे कशाप्रकारे तुम्ही मध्ये खेळाडूंपर्यंत पोचवताय? प्रो कबड्डी आणि आपल्या लोकल टूर्नामेंटमध्ये फारच जमीन आसमानाचा फरक आहे, आणि आपल्याला प्रो कबड्डीपर्यंत जायचं असेल तर वर्षभर मेहनत खेळाडूंना मेहनत करणं फार गरजेचं आहे, त्यांच्या डाएटवर त्यांनी लक्ष द्यायला पाहिजे आणि वर्षभर फिटनेस करून प्रो कबड्डीची तयारी केली पाहिजे। सर आपसे भी सेम क्वेश्चन होगा कि आपका ये प्रो एज अ कोच कितवा सीजन है और कैसे आप देख रहे हो आने वाले सीजन के लिए बंगाल की तैयारी पर उनके चांसेस के लिए? सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, और बंगाल वॉरियर्स एक अच्छी टीम बनाई हमने, और हमारे प्रशांत सर हेड कोच उन्होंने और हमने मिल के एक बहुत अच्छी टीम बनाई है, और जो कैंप हमारा शेड्यूल है एक महीना चलते हो गया और अभी 15 दिन बाकी हैं, तो उनमें बच्चे बहुत ही अच्छा मतलब यूनिटी है और एक बच्चों को ने एक चाहत है, तो आने वाले जो समय होगा हमारे लिए जो प्रो कबड्डी का सीजन 11 हम उसमें ट्रॉफी 100% उठाएंगे। सर क्योंकि बंगाल वॉरियर्स अभी फॉर्मर चैंपियंस भी रह चुके हैं, तो एक नाम बन गया प्रो कबड्डी में, और अभी मनिंदर सिंह फजल अतरज जैसे बड़े बड़े नाम है, तो जो युवा यंग प्लेयर आते हैं उनके लिए थोड़ा कुछ प्रेशर रहता है कि उनको इनके साथ कैसे घुल मिल के रहने का होगा? कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहता, फजल एंड मणि एंड नितेश वो सब एक दोस्त की तरह ही रहते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई सीनियर है या जूनियर है, ऐसा नहीं, वो सभी बच्चों को इक्वल लेके चलते हैं, और सबसे ज़्यादा तो फनी हमारा मन ही रहता है, वो कैंप के दौरान सबके साथ ऑलमोस्ट बच्चों को पुशअप करता है, करना है करना है, तो वो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन करता है युवाओं के लिए और जूनियर बच्चों के लिए। सर माझा प्रश्न तुमच्यासाठी प्रशांत सरांसाठी, यावर्षी फजल आपल्या टीममध्ये आला बंगालमध्ये, तर डिफेन्सिव कॉम्बिनेशन कसं असेल यावेळी? आमचा या सीझनमध्ये डिफेन्स एकदमच स्ट्रॉंग बनला आहे, फजल बरोबर नितेश आहे, राईट कवरला मयूर वैभव गर्जे आहे, लेफ्ट कवर श्रेयस उमरदंडे युवा खेळाडू चांगला परफॉर्मन्स करतोय, त्यामुळे आमचा डिफेन्स एकदमच स्ट्रॉंग आहे, त्यामुळे आम्हाला यावर्षी ट्रॉफी जिंकण्याचे चान्सेस जास्त आहेत। गेल्या वर्षी शिंदे ब्रदर्स एकाच टीममध्ये होते, तर कॉम्बिनेशन खूप चांगलं बसलं होतं, तर यावेळी ती जोडी फुटली, तर त्याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? शिंदे बंधूंचं कॉम्बिनेशन
फारच छान आहे, पण थोडासा कधी कधी काही मॅचमध्ये त्यांचा परफॉर्मन्स अपडाऊन होत होता, त्यामुळे आम्हाला चेंजेस करावे लागत होते, त्यामुळे थोडा प्रॉब्लेम होत होता. मी परत एकदा प्रश्न विचारतो, कॅप्टन बदलण्याच्या मागे काय परत स्ट्रॅटेजी? कॅप्टन बदलण्यामागे स्ट्रॅटेजी एकच आहे, आम्हाला मनिंदरवरचं प्रेशर रिलीज करायचं होतं आणि मनिंदरचा परफॉर्मन्स आणि बेटर करायचा होता, आणि प्लस फजल टॉप डिफेंडर आहेच प्रो कबड्डीमध्ये आणि त्याला एक्सपिरियन्स पण कॅप्टनशिपचा आहे, त्याने त्याच्या कॅप्टनशिपमध्ये एशियन गोल्ड मेडल मिळवलेलं आहे, त्याचा फायदा आम्हाला टीमला मिळवण्यासाठी आम्ही फजलला कॅप्टन बनवला आहे. मग त्याने आपलं मनिंदरने सांगितलं होतं की मला नेक्स्ट सीझनला कॅप्टन म्हणून नाही राहायचं? नाही सांगितलं असं नव्हतं, पण फजल आल्यामुळे त्यांच्या आपसातच भांडणं होत होतं की तू कॅप्टन हो जा, तू कॅप्टन, फजल बोल रहा था मणी को तू कॅप्टन, मणी बोल रहा था तू कॅप्टन हो जा, लेकिन मैंने तीनों को एक साथ लेके डिसाइड किया हम लोगों ने मिल उनको कि हम डिफेंडर एक कॅप्टन रखेंगे और रेडर्स को रिलीफ करेंगे. पुढचा सीझन खूप मोठा असणार आहे सर, तुमचा या सीझनसाठी काय प्लॅन असणार आहे पुढे? या सीझनचा प्लॅन ऑलमोस्ट आमचा रेडी आहे, आम्ही मॅच टू मॅच जाणार आहोत, मॅच टू मॅच विचार करत आहोत, प्रत्येक मॅच कशी जिंकता येईल त्याची आम्ही स्ट्रॅटेजी बनवत आहोत, आमचं प्रॅक्टिस त्या अँगलने सुरू आहे, तर होप्स रिझल्ट चांगला येईल. गेल्या सीझनमध्ये मनिंदर सिंग काही मॅचेस बाहेर होता इंजुरीमुळे, तर यावेळी एकच मॅच बाहेर होता. हो, तर यावेळी कसा प्लॅन असेल, म्हणजे त्याचा बॅकअप प्लॅन कोण असेल मनिंदर सिंगचा? बॅकअप आपल्याकडे युथ एकदम स्ट्रॉंग बॅकअप आहे, आपल्या सर्व प्लेससाठी आपला बॅकअप एकदम स्ट्रॉंग आहे यावेळी, प्लस यावेळी आमचा एसएनसी आणि आम्ही फिटनेस यावर जास्त भर देतात, कारण गेल्या वर्षी आमचे 7 प्लेयर इंजुअर्ड झाले होते, पण टचवूड यावेळी आम्ही त्याच्यावर जास्त फिटनेसवर जास्त लक्ष देत आहोत, त्यामुळे फिटनेस लेवल सगळ्यांची आता एकदम उच्च दर्जाची आहे. बंगालचे रेडिंग हे दरवेळेस मनिंदरवर जास्त अवलंबून असायचं, तर यावेळेस त्याला कोण पर्याय असणार आहे, समजा तो लवकर आउट झाला तर त्याला कोण पर्याय जास्त असेल? यावेळी लास्ट इयर नितीन कुमार जो युवा ज्यामधून आला होता त्याचा परफॉर्मन्स लास्ट सीझन पण चांगला होता, आणि यावेळी पण तो माझ्या मते 250+ पॉईंट मारेल अशी मला खात्री आहे, कारण तो प्रॅक्टिसमध्ये अतिशय चांगला परफॉर्मन्स देत आहे, तर मणीला बॅकअप नितीन कुमार आहे, विश्वा आहे, अर्जुन राठी आहे, तर बॅकअप प्रणय राणे आहे, त्यामुळे आमच्याकडे रेडिंग युनिट पण स्ट्रॉंग आहे. सर मेरा क्वेश्चन आपके लिए, फजल जैसा प्लेयर एक्सपीरियंस प्लेयर टीम में आना तो यंगस्टर्स के लिए कितना फायदेमंद है? जैसे फजल एक बहुत एक्सपीरियंस डिफेंडर है और वो लीग का भी टॉप डिफेंडर है, और सबसे बड़ी बात हमारे पास टॉप डिफेंडर लीग का फजल अत्राचली एंड नितेश कुमार, तो वो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और जो नए बच्चे हैं वो उनसे सीखते हैं, वो उनको बताते हैं ऑन प्रैक्टिस की आपको क्या करना है, कैसे टैकल करना है, अगर कहीं भी बाई मिस्टेक होता है तो वो बताते हैं नए बच्चों को. सर फजल का जैसा इन्होंने पॉइंट निकाला, सो वही मैं बोल रहा हूँ कि आने पिछले कुछ सालों से भारत को एशियन गेम्स वगैरह में ईरान से बहुत चुनौती मिल रही है वगैरह, सो आप इसको कैसा देख रहे हैं? कबड्डी ग्रो भी हो रहा है लेकिन इंडिया के लिए भी उतना ही टफ कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो कबड्डी आसमान पर जा रही है, तो वो एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि विदेशों में भी कबड्डी खेली जा रही है, तो उसको ना हमें लगता है कि ओलंपिक में भी आएगी, तो इंडिया के लिए तो टफ है, पर बाकी जो अदर देश अदर कंट्री अगर खेलेगी तो वो कबड्डी के लिए फ़ायदा है. ऐसे कबड्डी को देखा जाए तो कबड्डी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, और इंडिया के लिए भी एक टफ इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर दूसरी कंट्री में अगर बच्चे खेलेंगे तो उनको लीग में आते हैं, तो आपने भी देखा ईरान पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया, पहले पाकिस्तान होता था, तो उसके बाद पाकिस्तान के बाद अब ये आया, फिर साउथ कोरिया आया, फिर बांग्लादेश भी अच्छा कर रहा है, नेपाल भी अच्छा कर रहा है, तो ये कबड्डी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मैं चाहता हूँ कि ये 2036 में ओलंपिक में भी कबड्डी आएगा. ह्यावेळी तुमच्या टीम मध्ये जपानचा प्लेअर आहे की तैवानचा? चायनीज आहे. ह्यावेळी 3 वेन्यू आहेत, त्यामुळे थोडस रिलॅक्स वाटेल का? डेफिनेटली रिलॅक्स वाटतंय, कारण लास्ट सीझन हेक्टिक शेड्यूल होता, 8-8 दिवसां फ्लाईट करून दुसऱ्या सिटी मध्ये जायचं, त्यामुळे प्रॅक्टिसला पण वेळ कमी मिळायचा, यावेळी भरपूर रिलीफ मिळत आहे.
तरुण खेळाडूंना काय सांगाल, काय त्यांना कबड्डी मध्ये चांगला परफॉर्मन्स करण्यासाठी येण्यासाठी त्यांना काय सल्ला द्याल? तरुण खेळाडूंना मी एकच सांगेन, प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. तुम्ही मेहनत करा, दिवसातले 4 तास कबड्डीसाठी द्या, डाएटवर लक्ष द्या, तुम्हाला डेफिनेट यश मिळेल. थँक्यू सर. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.